अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये तो देवा है, नाग प्रजाति का सबसे बड़ा दुश्मन। का राज ना खुल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अप्पू ये क्या किया तूने? बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा काल समय खराब चल रहा था इसलिए आपकी पुंगी नीचे गिर गई। बाबा जी, ये छोरे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये बच्चा है पर समय का बहुत कच्चा है। अच्छा है आपकी बीन नहीं टूटी, वो भी आप ही की तरह शक्तिशाली है। ये मेरा बड़ा पोता है, ऊंचा सुनता है। अरे बस दादी, कितनी तारीफ करोगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा न्योता स्वीकारा। बच्चों, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दादाजी का हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। दादी जी, अगर वो सांप मर गया तो उसकी घर वालों को क्या होगा? जय महाकाल! आपका परिवार भी 6 साल से दादाजी के बिना कैसे जी रहा है? गलती की सजा देना बहुत जरूरी है, वरना आदत पड़ जाती है, जैसे इन नागों की पड़ गई। कौन है? अरे मैं हूं अप्पू, खुलो। अप्पू, आज तो तूने मुझे मरने से बचा लिया। वो सब छोड़ो। अच्छा, ये देवा के सचमुच में बहुत खतरनाक सपेरा है? हाँ अप्पू, पाकिस्तान में सांपों का काल कहा जाता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में अगर कोई काला पन्ना है तो ये देवा है। देवा रे देवा, हजारों सांपों को मार चुका है, पाकिस्तान में प्रसिद्ध है कि जब जब देवा ने बीन उठाई किसी ना किसी सांप की शामत आई। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। इच्छा, 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 बाहर आके देवा जी का आशीर्वाद ले ले। जी दीदी। दादी बुला रही है, बाहर आ जा जल्दी। और अप्पू तू भी आ जा। ठीक है मम्मी, आता हूँ। इच्छा तू बाहर मत जा, अगर देवा ने देख लिया तो सीधा ऊपर भेज देगा। हाँ इच्छा, बाहर जाने में बहुत खतरा है, तुम कोई भी बहाना बना के यहाँ पर ही रुक जाओ। मैं जानती हूँ कि खतरा है, लेकिन उससे आंखें फेरने से वो टल तो नहीं जाएगा, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। कौशल्या, मुझे इस घर में बू आ रही है।
अरे नाना बाबा जी, मतलब ही नहीं होता, हमने सुबह सुबह पोछा लगा लिया था। बाबा जी, ये मेरा मंजिला पोता है, दिमाग से मालगाड़ी। जय महाकाल! इस घर में सांपों का बसेरा है। अरे हाँ बाबा जी, हमारे घर में बहुत सारे सांप हो रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या काम करें। कभी कोई जूता लेके आता है और कभी कोई नाश्ता। अरे एक सांप ने तो हमें गड़ा हुआ खजाना दिखा दिया। अरे टीवी पे कहते हैं दाग अच्छे होते हैं, हम कहते हैं कि नाग अच्छे होते हैं। आज मैं अपने आप को और इस घर के सारे सदस्यों को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि जो आप यहाँ आए। आप बच्चों आशीर्वाद ले लो। जय महाकाल! जल्दी 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 ममता, ए छोरी तू भी आके आशीर्वाद ले ले। आजा आजा। हे नागूमि देव, ये देवा मुझे पहचान ना ले। बाबा जी, सांप तो आप पकड़ लोगे, लेकिन कैसे पहचानोगे कि वही सांप है जिसने पिताजी को डसा था? बेटा, दुश्मन हमारे सामने आए तो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। मैं उसे पकड़ लूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि उसके आसपास के सांप उसे देखकर डर जाएंगे। मैं रोज एक दो सांपों को मारता हूं, ये होते ही मरने के लिए है। छोरी पागल हो गए क्या? बाबा जी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। इसकी याददाश्त चली गई, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा जी, तुम पागल हो गए, जाओ यहां से, जाओ। कुछ नहीं बाबा जी, वो आपके गाल पे ना मच्छर लगा था, मच्छर उसे उड़ा रही थी वो। वैसे लड़की बहुत अच्छी है वो। बाबा जी, ये छोरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती। कौशल्या, हमें प्रभावित करना भी बहुत मुश्किल है और नाराज करना भी। ये लड़की नादान है, वरना ऐसी गलती कभी नहीं करती। आप मुझे आज्ञा दीजिए और देखिए मैं इस बला को इच्छा के सर से कैसे हमेशा के लिए टाल देती हूँ। देखो सपोली, समस्या गंभीर है और हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाकर बाद में पछताना नहीं चाहते। और हमारी एक गलती से इच्छा की जान भी जा सकती है। गुरुजी, जितना समय आप यहाँ लेंगे, इंसानी बस्ती में हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इच्छा से ज्यादा अच्छे से मैं उससे पहले से लड़ सकती हूँ। आइए 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 बाबा जी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बाबा जी। ये है बाबा जी का कमरा। अच्छा प्रबंध है, है? अरे बंद कहाँ है? अरे एकदम खुला तो है, तीन खिड़कियां, एक पंखा, एक दरवाजा। अरे कभी कभी तो ऐसी हवा चले है कि आदमी वहां मिले उस खुंटी पे सुबह सुबह। हमने आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध किया है। क्या बोल रहे हो, प्रबंध की ही बात कर रहे हैं वो? अच्छा बाबा जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, मुझे बोलना, इसको मत बोलना। क्यों? अरे इसे भूलने की बीमारी है। एक बार एक मेहमान आया था हमारे घर में, उसे पानी से डर लगता था, ये उसे नाव में बैठा के तालाब के बीचों बीच ले गया जबरदस्ती। ये तो गलत है।
अरे गलत तो तब हुआ जब यो नाव का चप्पू ले जाना भूल गया। यो तो तैर के वापस आ गया। उस आदमी का आज तक फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बोल रहा है। हमें आपसे कुछ पूछना है। अभी भी कुछ बचा है? अरे ना ना सब अच्छा है। आओ चलो बताते, आ जाओ आ जाओ। जय महाकाल। उठ, क्या कर रहा है तू? उठ जाऊंगा, पहले कहिए माफ कर दिया। माफी? कैसी माफी? कसम जहर की आखिरी बूंद की। मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, फिर भी गलती हो गई। ए चुप, बात को पूंछ की तरह गोल गोल घुमाना बंद कर और बता कि क्या हुआ। शंकर कौन है? मैंने कहा ना, मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, वो फिसल कर भाग गया। जंजीर किसने खोली? जी मैंने खोली। वो तो बच के भाग गया, पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? माफी माफी, वो कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। वो तो तुझे ढूंढ के लाना ही होगा, क्योंकि शंकर और उसके परिवार की तबाही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे। जिस जहर की तू कसम बार बार खा रहा है ना, वो जहर तेरे गले के नीचे उतार दूंगी। थोड़ा ऊंचे से फूंक मारो। अच्छा चलो चलो भाई, ऊपर जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं मारो यहीं। अरे महाराज जी, आपने बोला ना ऊंची फूंक मारो, तो छत पे जा रहे थे फूंक मारने के लिए। अरे ऊंचे से फूंक वैसे ना लगती बावले, अलमारी पे चढ़ना पड़ेगा। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना। चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं पर मारो, थोड़ी हल्की फूंक मारो, हल्की हल्की। महाराज जी धीमे मारनी है, तेज मारनी बता नहीं रहे। अरे बस प्रैक्टिस खत्म, सीख जाओगे। कब तक महाराज? अगले जन्म तक। जय महाकाल। शातिर नागिन का साया, अब आएगा मजा, मजा आएगा। जय महाकाल। अच्छा दरवाजा खोलो। अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कुछ हो तो नहीं गया? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम।
सिद्धू कहां था तू? संदेशा भेजने के बाद भी नहीं आया? माफ करना गुरुजी, बहुत जरूरी काम में फंस गया था। वो शिव मंदिर तो आपको पता ही है। चल अच्छा हुआ तू आया। गुरुजी यहां आने का मकसद क्या है? अंदर बताता हूं। यही रुको, नजर रखो। तुम ठीक तो हो ना इच्छा? हाँ बब्बल जी, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं तुम्हारे पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं ठीक हूँ। आप कुछ बात करने वाले थे? नहीं रहने दो, इतना जरूरी भी नहीं था, तुम आराम करो। हाँ ठीक है, आप यहीं रहिएगा। अगर दोबारा तबीयत खराब हो गई तो मैं आवाज कैसे लगाऊंगी? मैं जानती हूँ कि देवा से लड़ना कोई दूध की कटोरी साफ करने जितना आसान काम नहीं है, पर आसान काम चिरमिरी करती भी नहीं है। उस देवा को मारकर सांपों के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दूंगी मैं। तब नागिस्तान वाले मेरे कदम चूमेंगे, मुझे शाबाशी के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। चिरमिरी का नाम किस्सों और कहानियों में अमर हो जाएगा। तब नागिस्तान वालों को पता चलेगा कि इंसानों को अगर सबक सिखाना हो तो उनको डरा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। फिर उन्हें इच्छा को यहां वापस बुलाना ही पड़ेगा। देवा, आज तुझे मारकर मैं बताऊंगी कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। शातिर है लेकिन देवा तेरे जैसों का बाप है। अब तू खुद मेरी बीन की धुन पर खींचता हुआ मेरे पास आएगा। बाकू, ये बीन की आवाज तो बढ़ती जा रही है। इतना तुम्हें लगता है इस बीन के आगे तुम्हारी कोई भी तरकीब चल पाएगी? अब तो जल्दी यहां से निकल लो। बाबा
बाबा जी इस समय बीन बजा रहे, जरूर कोई बात है। लगता है आज वो सांप पकड़ के ही रहेंगे। अरे सबल भाई, माना दादाजी का बदला लेना है, पर बदला हमसे क्यों ले रहा है? अरे इस समय सांप की नींद खराब करके उसे पकड़ेगा तो दो गाली उससे खाएगा और दो गाली हमसे। चुपचाप सो जा। अरे बीन बजाना बंद कर। भैया क्या कर रहे हो? मैं ना बजा रहा कोई बीन। सो जा, सो जा, सो जा।